1630. अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटर व्लॉग। जैसा मैंने आपको कहा था कि यामा YB125Z की अब सीरीज़ शुरू होंगी, मैं आ गया हूं G10 कैपिटल मोटर्स पे और अभी यामा YB125Z का इंजन ऑयल रिप्लेस कराऊंगा और थोड़ी बहुत चेन की एडजस्टमेंट वगैरह, तो वो आपको दिखाता हूँ, साथ रहिए। आज का व्यूअर्स जो ऑयल वगैरह चेंज होगा ये करेंगे अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो नहीं पड़ रही? बस है, थोड़ी बहुत गुजारा चल रहा है आजकल। चलिए जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं और इंजन ऑयल रिप्लेस होगा और चेन वगैरह टाइट कराएंगे, थोड़ा हवा वगैरह लग जाएगी एयर क्लीनर को। सबसे पहले अच्छा अब्दुल्ला, क्या वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, साइज क्या ये इसका? 17 नंबर की ये 17. ओके 17 नंबर की वेयर इसको लगेगा, रिंग्स पहने। ओके, मैं रीडिंग वेयर आपको दिखा देता हूँ। 11630 ये रीडिंग है और इस पे रिप्लेस हो रहा है, बाकी अभी निकलता है तो फिर अब्दुल्ला बताएंगे कि क्या कंडीशन है ऑयल की। ऑयल काफ़ी इस दफ़ा ख़राब है, यस, क्योंकि ऊपर चल गया व्यूअर्स ये देखिए, और बस अब ज़रा मैं ख्याल रखूँगा। यस, अच्छा जी, यहाँ से ऑयल फिल होता है, मैं उस साइड से आके दिखाता हूँ व्यूअर्स। इसको खोलेंगे, एक तो ये है कि फ्लो भी बेहतर हो जाता है और ऑब्वियसली ऑयल डालना भी, यहाँ से इसको थोड़ा सफाई भी कर देंगे। तो अच्छा अब्दुल्ला, इसमें क्या खासियत है इसमें और सादे में क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क तो इसमें विस्कोसिटी के ग्रेड का। अच्छा। ये ऑयल जो है काफ़ी पतला ऑयल होता है और है भी साथ में सेमी सिंथेटिक है। बेसिकली नए इंजन के लिए होता है। अच्छा। और यानी कि फर्स्ट टाइम आप इंजन में ही ऑयल यूज़ करें, बेसिक जब तक आपका बाइक ऑयल कम करना शुरू नहीं करता। Okay. जब आपका बाइक ऑयल कम करना शुरू कर दे तो आप उसमें 20-50 पे शिफ्ट कर लें। Okay. हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि यार गर्मियों में आप जो है वो ऑयल 20-50 यूज़ करें और सर्दियों में 10W40, तो इस चीज़ को गलत करार दिया। ओके ओके ठीक है। ओके जी ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी डब्बा, यामा ल्यूब 1040 और बड़ा अच्छा ऑयल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इवन मैंने ये होंडा में भी डाला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी डालते हैं इसमें। अच्छा, वॉशर ठीक है? ओके, इसकी रिप्लेस करनी पड़ती है कि नहीं, वही चलती है? काफ़ी टाइम चल जाती है। अच्छा, तो वॉशर इज ओके व्यूअर्स, इसलिए ज़रूरत नहीं बदलने की, ऑयल गंदा निकले। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइट हो गया। ओके, अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, ये एक तो सील यहाँ पे होगी और दूसरा ये खुलने के बाद ऊपर। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देख लें ताकि जब आप ऑयल लें तो ऐसा ही होना चाहिए वो, और बेहतर होता है कि सामने ही डलवाएं। ओके हो गया, ये लेंच वेयर्स, वाओ क्या ऑयल ज़बरदस्त है वाकई। ये उसका कह रहे थे क्या छोटी मक्खी का ऑयल, जब शहद, हाँ तो कलर बिल्कुल, यानी यकीन करें कि वैसे ही है, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ वाकई इस ऑयल का। बल्कि मैं एक दफ़ा व्यूअर्स आया तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं आप होंडा लाए, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो बड़ा अच्छा रहा था अब्दुल्ला एक्सपीरियंस होंडा में भी।
लेकिन मैं फिर बताऊंगा व्यूअर्स, मेरे पास 5 गियर्स वाला है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँ सादे में आप ना डालें। सादे में डलवाते हैं लोग, डलवा लें लेकिन फिर मतलब हीटिंग इशू से कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है क्योंकि देखें 5 स्पीड वाला मेरे पास है तो वो तो मैंने खुद आजमाया ना, मैं इसलिए वो कह सकता हूँ कि बड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, तो व्यूअर्स अब्दुल्ला का कहना है कि सादे में भी डाला है और हीटिंग इशूज उसके कम हो जाते हैं। मीनवाइल व्यूअर्स चेन भी चेक करवा रहा हूँ जो कि अभी अब्दुल्ला ने देखी है और इन्होंने कहा कि लूज है, वो टाइट हो जाएगी क्योंकि एक गैप आ गया था ज़ाहिर है। ओके व्यूअर्स, ऑयलिंग हो रही है और मैं वैसे अब्दुल्ला से मजाक से कह रहा था गंदा ऑयल, तो अब्दुल्ला ने वो निकाल के दिखाया कि नहीं भाई बिल्कुल साफ़ है। कभी गंदा ऑयल व्यूअर्स याद रखें कि वो एम्ब्री पेपर का काम करता है और उल्टा ख़राब करेगा चेन ग्रारी सेट। क्यों अब्दुल्ला ऐसे ही? क्रॉस चेक भी हो गया व्यूअर्स, चेन हो गई और नेक्स्ट मेरा ये है कि एयर फिल्टर को देख लेते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, हवा लगा के काम हो जाएगा क्या होगा वो खोल के अब्दुल्ला हमें बताएंगे। साफ़ हो जाएगा, ओके हवा लगेगी वेयर साफ हो जाएगा और ओके ओके जी वेयर बिल्कुल। तो अब्दुल्ला यानी आपका ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम चेंज या नहीं? नेक्स्ट टाइम ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करा लेंगे इसको। एयर क्लीनर फिट कर दिया है और अब बंद कर रही हूँ उसको। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ आवाज़ आप सुन लें ताकि पता चल जाए जी कि कोई कोई टैपेट्स का इशू या कोई
ठीक है बिल्कुल, ओके 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 ओके। तो व्यूअर्स ये थी वीडियो यामा YB125Z के इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट की, और आपने देखा कि मैंने बाकी चेकअप भी करा लिए, एयर क्लीनर भी उसका साफ करवा लिया, चेन भी करवा ली, और इंजन ऑयल आजकल जो प्राइस जा रही है इसकी 1350 रुपये ब्लैक वाला जो सेमी सिंथेटिक है। अब मुझे दें इजाज़त व्यूअर्स, और पार्क मोटर व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे होगी फिर मुलाकात अगली वीडियो में, और YB की सीरीज़ चलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए।